उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश जी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, देश के विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षगण, प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाबचंद कटारिया जी, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नौ वर्षीय बधाई देता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है, 12 जनवरी, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद राजस्थान ने ही दिया। पहले उनका नाम विविधानंद था, लेकिन जब यहाँ आए खेतड़ी के महाराज ने उनका नाम, उन्होंने कहा कि विविधानंद के स्थान पर विवेकानंद हो तो अच्छा हो। और सिखावटी का जो साफा है, साफा भी यही से दिया। जो विवेकानंद जी का फोटो देखते हैं साफा बधा हुआ, वो सिखावटी का है, राजस्थान का ही है। तो राजस्थान ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया और साफा भी दिया, जो पूरे विश्व में इस समय प्रचलित हैं। आज उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि 11 वर्षों के बाद पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन यहाँ राजस्थान में आयोजित किया गया है। मैं इस आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को बधाई देता हूँ कि लोकतंत्र, संसद और विधानमंडलों की शुद्धता के लिए के आलोक में यहाँ यह आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं श्री गणेश वासुदेव मावलंकर की स्मृति को नमन करता हूँ। हमारे देश की पहली लोकसभा के वह प्रथम अध्यक्ष थे। वह केवल अध्यक्ष ही नहीं बल्कि देश में संसदीय प्रक्रियाओं के विकास के भी वह जनक थे। स्वाधीन भारत में विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों के आयोजन की यह जो प्रथा प्रारंभ हुई उसे सूत्रधार भी मावलंकर जी भी थे। उन्होंने ही इन सम्मेलनों का सूत्रपात किया। आज समापन के अवसर पर जो दो दिन मंथन आप लोगों ने किया, मंथन से जो निकला हुआ निष्कर्ष है उसको श्रीमान हरिवंश जी ने बड़ी ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया, और आदरणीय अध्यक्ष जी ने उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हुए अपेक्षा भी की सभी लोग इसको अपने आचरण और व्यवहार में लाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मावलंकर जी ने जो सम्मेलन की का सूत्रपात किया उसके पीछे की भावना भी यही थी कि परस्पर मिलकर पीठासीन अधिकारी विचार विमर्श करते हुए क्या क्या नई चीज़ें आनी चाहिए विधायिका को मजबूत करने के लिए, संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिन संसदीय परंपराओं के आधार पर लोकतंत्र सुदृढ़ होता है वो कौन सी चीज़ होनी चाहिए, इस दृष्टि से निष्कर्ष के रूप में इन सम्मेलनों के माध्यम से निकलेगा, वो आपने निकाला यहाँ। उन्होंने इस तरह के सम्मेलनों को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कभी कहा था कि ऐसे सम्मेलनों में होने वाले विमर्श में अधिकारियों को आपस में एक दूसरे के अनुभवों और दृष्टिकोण को जानने का अवसर मिलता है। मैं भी ये मानता हूँ कि इसे पूरे देश में कतिपय समान संसदीय प्रथा और प्रक्रिया तथा संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ बहुमूल्य परंपराएं स्थापित करने में मदद मिलती है। संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की ही
सर्वाधिक महती भूमिका होती है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसे अध्यक्ष तथा विधान परिषद में सभापति कहा जाता है। पीठासीन अधिकारी सदन के प्रतिनिधियों का नेतृत्व ही नहीं करता, अपितु उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों का एक तरह से अभिभावक भी होता है। मैं यह मानता हूं कि सदन का अध्यक्ष सदन के कामकाज से संबंधित नियमों का अंतिम व्याख्याकार होता है। उसके निर्णयों को किसी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए आज का यह सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र की हमारी प्रणाली को सशक्त करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को इसीलिए अपनाया कि राजनीतिक सत्ता में सीधे तौर पर आम जन की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मंदिर कहे जाते हैं। यह वह पवित्र स्थल है जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर जनहित के मुद्दों पर विमर्श कर विधान बनाना का कार्य करते हैं। इन सदनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वहां आने वाले चुने हुए जनप्रतिनिधि राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करें। यहां जो भी बहस बिजनेस हो वह आम जन के सतत विकास के लिए हो, कल्याण के लिए हो। इसके बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को तो प्रस्तुत ही किया अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखते हुए। संसद या विधानसभा में कोई भी पारित विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे। बहुत बार यह आरोप लगता है कि राज्यपाल जानबूझकर विधेयक अटका रहे हैं या कि उसे पारित करने में देर कर रहे हैं। इस संबंध में इस बात को समझने की जरूरत है कि जो विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाए उसे पूरी तरह से राज्यपाल को देखना होता है। उसके जनता पर होने वाले असर और वैधानिक प्रक्रियाओं के बारे में भी बहुत सूक्ष्मता से विचार करना होता है। जब तक कि जनहित में वैधानिक रूप में विधेयक पूरी तरह से संपूर्ण होकर नहीं पाया जाता है तब तक उसे पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि सदनों में जब कोई विधेयक पारित किया जाए तो बहुमत ही प्रमुख आधार नहीं रहे, उसका प्रमुख आधार स्वस्थ बहस और विधेयक का प्रमुख आधार जनहित से जुड़ा औचित्य भी होना चाहिए। राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं है, वह संवैधानिक संस्था है और उसे जब संवैधानिक आधार पर यह संतुष्टि होती है कि विधेयक औचित्यपूर्ण है तभी वह उसे स्वीकृति प्रदान करता है। ऐसा नहीं होता है तो वह उसमें संशोधन कर फिर से भेजने के लिए कह सकता है। यही संवैधानिक व्यवस्था है, इसे समझने की जरूरत है। एक बात और मैं यहां कहना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र राज्य सरकार की अनुशंसा पर आहूत करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। सामान्यतः विधानसभा सत्र वर्ष में 3 बार आहूत किए जाते हैं। वह जो 3 बार सदन आहूत किए जाते हैं उसमें उनमें बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र प्रमुख होते हैं। किसी विशेष कारण से भी कभी सत्र आह्वान किया जा सकता है, परंतु मैंने इधर यह भी महसूस किया है कि सत्र आहूत करने के बाद सत्रावसान नहीं किया जाता है। सत्रावसान नहीं कर सीधे सत्र बुलाने की जो परिपाटी बन रही है वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए घातक है। इससे विधायकों के प्रश्न पूछने के अधिकार का हनन होता है। सदन का जब सत्रावसान नहीं किया जाता तो एक ही सत्र की कई बैठकें चलती रहती हैं। इससे विधायकों को निर्धारित संख्या के प्रश्न के अतिरिक्त अवसर प्राप्त नहीं होते, संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती। इसलिए विधानसभाओं का विधिवत सत्रावसान हो और नया सत्र आहूत हो इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि विधानसभा में बैठकों की संख्या बढ़े। आजकल विधानसभा की बैठकों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जो बड़े ही चिंता का विषय है।
बैठकों की संख्या कम होने के कारण समाज के वंचित और कमजोर वर्गों की बहुत सी समस्याओं को उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। जनहित से जुड़े बहुत से मुद्दे उपेक्षित रह जाते हैं। बैठकें अधिक होंगी